दोस्तों बेस्ट सोप अपने डॉग्स को टिक्स रिमूव करने के लिए बेस्ट सोप जो है मैं प्रेफर कर रहा हूँ। मैंने इसका बहुत बढ़िया रिव्यू है इसका, क्योंकि इसको मैंने बहुत मतलब अपने आंखों से देखा है कि कैसे इसने बस 3 बार इस्तेमाल से मेरी जो डॉग है उसका जो टिक्स है वो नियर अबाउट मतलब 90% तक वैनिश कर दिया। टिक्स बहुत ज़्यादा हो गए थे उसको, और उसका टिक्स जो आना 90% तक वैनिश हो गया। तो इस वीडियो में आपको उसी सोप और उसका यूज़ के बारे में बताने वाला हूँ, तो वीडियो को अंत तक देखना, इम्पोर्टेंट बातें शेयर करूंगा एंड में, वीडियो को अंत तक देखना। दोस्तों वो सोप है ये टिक्स सोप मैनकाइंड का, ये बहुत ही सस्ता आता है, ये बहुत सस्ता है, 75 ग्राम जस्ट 60 रुपीज है, बहुत सस्ता है। अदर प्रोडक्ट ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, 175 रुपीज 150 ग्राम्स का आता है। ये फ्रेशकोट बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, मैंने खुद इस्तेमाल किया है, 150 ml 220 रुपीज में आता है, बढ़िया प्रोडक्ट है। बट ये अपने दाम के मतलब दाम के अनुसार सबसे बेहतरीन प्रोडक्ट है ये, इसने मुझे इतना बढ़िया रिजल्ट दिया। एक तो शैम्पू भी है, मैंने यूज़ किया था हिमालय का एक जो शैम्पू है टिक्स रिमूवल का, उस शैम्पू का मैं रिव्यू इसलिए नहीं करना चाहता क्योंकि मैं कन्फर्म नहीं था कि मेरे डॉग्स को तब टिक्स थे कि नहीं। मैंने उस शैम्पू को इस्तेमाल किया अपने डॉग के ऊपर, बट मैं कोट तो वैसे फ्रेश था और पहले भी टिक्स था कि नहीं वो उस बारे में मैं कन्फर्म नहीं हूँ, अगर होगा तो हटाएगा तो मैं श्योर नहीं हूँ, उसके बारे में आपको अलग एक वीडियो बना के दूंगा। ये प्रोडक्ट वो मैंने एक स्ट्रीट डॉग पे अप्लाई किया था, स्ट्रीट डॉग मतलब इंडियन ब्रीड है, वो डॉग स्ट्रीट नहीं है, वो डॉग को हम पालते हैं, उस पे अप्लाई किया था, उसको बहुत सारे टिक्स हो गए थे, बहुत सारे टिक्स। इसको 3 बार अप्लाई किया, कांट बिलीव, जस्ट 3 बार अप्लाई किया और उसके टिक्स नियर अबाउट वैनिश हो गए, टिक्स नियर अबाउट वैनिश हो गए। इसको अप्लाई ऐसे करना है कि मैंने क्योंकि टिक्स का ट्रीटमेंट चल रहा है तो टिक्स आ गए हैं, तो अगर मैं एक बार इसको अप्लाई करके छोड़ दूँ, जो अप्लाई करके नहला दूँ उसको, तो टिक्स कम्प्लीटली वैनिश नहीं होंगे। एक बार अप्लाई से कभी नहीं होगा, कोई भी प्रोडक्ट कम्प्लीटली वैनिश नहीं कर सकता टिक्स को, कोई भी प्रोडक्ट एक बार इस्तेमाल से कम्प्लीटली वैनिश नहीं कर सकता। तो आपको रेगुलर करना होगा, मतलब एक शॉर्ट ड्यूरेशन में रेगुलर उसका यूज करना होगा। तो मैंने एक दिन बाद उसको नहलाया है अच्छे से इससे, क्योंकि अगर आप एक बार नहला के छोड़ दोगे तो वो टिक्स जो 2-4 रह जाएंगे वो मल्टीप्लाई हो जाएंगे विद इन फ्यू डेज। तो मैंने विद इन शॉर्ट ड्यूरेशन विद इन 6 डेज मैंने हर अल्टरनेटिव डेज उसको 3 बार नहलाया, और अभी मैं देख रहा हूँ कि उसका जो टिक्स है वो नियर अबाउट 95% वैनिश हो गए हैं, और मैं और 2 दिन इसका इस्तेमाल करूँगा ताकि ये कम्प्लीटली वैनिश हो जाए। अब करते हैं इम्पोर्टेंट टिप शेयर कि अगर टिक्स आ जाए आपके डॉग को, खुदा ना खास्ता आपके डॉग को टिक्स आ जाए, तो ये सब प्रोडक्ट तो आप यूज करना। टिक्स से बचाए रखने के लिए आपको क्या करना है कि अपने डॉग्स को जब भी आप बाहर से अंदर लाओगे उसके कोट को फ्रेश करके कॉम्बिंग कर देना और उसको रफ कर देना किसी भी फ्रेश टॉवल से, ताकि उसके बॉडी में कोई भी डस्ट वगैरह जमे ना रहे और उससे रॉटन स्मेल या फिर टिक्स जनरेट ना हो। और अगर टिक्स जम जाए आपके बॉडी में तो ये सब प्रोडक्ट इस्तेमाल करना, क्योंकि टिक्स जो है बहुत ही हार्मफुल होते हैं। टिक्स क्या करेगा, आपके बॉडी डॉग के बॉडी से खून चूसेगा और उसको दिन भर अपनी फिजिक में इरिटेशन, इचिंग वो सब फील होता रहेगा, इससे कारण वो इचिंग करते करते अपने बॉडी के बाल उखाड़ लेंगे, कहीं कहीं से टिक्स के वजह से बाल बाहर निकल जाएंगे, तो वो उस जगह का खुदरा खुदरा मतलब आपके डॉग्स का बालों का मतलब जो डिज़ाइन है वो भी वैनिश हो सकता है, आपके डॉग का पीसफुल जो फिजिकल लाइफ है वो भी वैनिश हो सकता है, हेल्थ इश्यूज आ सकते हैं। तो टिक्स वैनिश करना बहुत इंपॉर्टेंट है, और ये सब प्रोडक्ट आप इस्तेमाल कर सकते हो। और इसके साथ अगर आपको ज़रूरत पड़े तो ये बच्चे पप्पी से कैसे टिक्स रिमूव करें, क्योंकि पप्पी को तो आप नहला नहीं सकते 3 महीने तक, तो पप्पी डॉग से कैसे टिक्स रिमूव करें ये भी आप इस्तेमाल कर सकते हो। पाउडर ये आप ऐसे भी इस्तेमाल कर सकते हो कि इससे एक दिन नहला दिया, उसके बाद दिन इसको अप्लाई किया दिन में 2 टाइम, उसके बाद वापस इससे नहलाया, ये बहुत बढ़िया प्रोडक्ट है, ये तो उससे भी बढ़िया है, मतलब सस्ते दाम में बहुत बढ़िया प्रोडक्ट। तो ये प्रोडक्ट्स आप इस्तेमाल कर सकते हो अपने डॉग्स के लिए, और ये प्रोडक्ट है कोट फ्रेश रखने के लिए आप इस्तेमाल कर सकते हो। तो दोस्तों आई होप कि वीडियो बहुत ही इंफॉर्मेटिव होगी, आपको पसंद आई होगी, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पे, तब तक के लिए टेक केयर ऑफ योर ओन एंड पेट, थैंक यू सो मच।